मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। अब और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग बहुत ज़्यादा सुबह नहीं है, यही कोई 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। और मैं हूँ अपने किचन में और बैक साइड में आप देख रहे होंगे खाना बन रहा है मेरा। और ना आज अभी मुझे करना है अपना हेयर वॉश। तो काफ़ी टाइम से ना मुझे एक रिक्वेस्ट आ रही थी, तो सोचा चलिए मैं उसे आज कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ना मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी अपने हेयर वॉश वीडियो बनाने के लिए कि हेयर वॉश करते समय एक वीडियो बनाए मैम आप। तो काफ़ी टाइम से आ रही थी, बट ऐसा हो जाता था ना कि कभी टाइम नहीं रहता था या कुछ भी रीज़न हो जाता था जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाती थी या भूल जाती थी। तो देखिए मेरे बाल कैसे झड़ रहे हैं, तो इसी वजह से नहीं बन पा रही थी ना। तो आज अभी मैं धोने जा रही थी ना तो मुझे याद आ गया जस्ट बिल्कुल अभी। तो मैं कहा चलिए मैं अपनी इस रिक्वेस्टेड वीडियो को कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो सबसे पहले मैं पहले अपने जो बालों को खोल कर उसमें अच्छे से कॉम कर लूँगी फ्रेंड। उसके बाद मैं अपने बालों को धोऊँगी और फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने बालों को धोती हूँ। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले खोल लेती हूँ अपने बालों को। देखिए कल ही ना इसमें मैंने बालों में ऑयल लगाया था। तो मैं जब भी मुझे अपने हेयर वॉश करने होता है ना तो मैं उससे एक दिन पहले शाम के टाइम यानी रात में अपने बालों में ऑयल कर लेती हूँ और ओवरनाइट उसे छोड़ देती हूँ ऐसे ही। और नेक्स्ट डे आके उसे अपना मैं धो लेती हूँ बालों को अपने। तो सेम वैसे ही मैंने किया था कल, अपने बालों में हेयर ऑयल किया था मैंने। ये देखिए आप लोग को दिख भी रहा होगा हैवी हेयर ऑयल जिसे कहते हैं खूब। तो चलिए आप पहले कर लेंगे इसमें कॉम। तो कॉम करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर क्योंकि मैं हूँ किचन में, किचन में कॉम कर नहीं सकती फ्रेंड्स। तो पहले कर लेती हूँ कॉम अपने बालों में। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी आ गई हूँ मैं बाहर किचन से अपने बालों को, मुझे कॉम करना था ना बालों में। तो किचन में कॉम करती तो बाल वहाँ पर निकल निकल के गिरते और फिर वो खाने में निकल जाता बाल, तो वो अच्छा नहीं था। तो इसलिए बाहर आकर मैं अभी अपने बालों में कॉम कर रही हूँ। क्योंकि मैं कभी भी जब भी अपना हेयर वॉश करती हूँ ना तो मैं पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेती हूँ, उसके बाद ही अपने हेयर वॉश करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जब बाल मेरे ड्राई हो जाते हैं, ड्राई होने के बाद जब मैं दोबारा से कॉम करती हूँ तो आसानी से मेरे जो बाल हैं वो सुलझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कॉम करके ही अपने बालों को धोती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए अभी आ गई हूँ मैं अपने हेयर वॉश करने के लिए। तो अभी मैंने हाँ अपने जो बाल हैं उनको दो पार्टों में डिवाइड करके आगे कर लिया है फेस की तरफ, आगे कर मैं अपने बालों को धोऊंगी क्योंकि बाल बड़े हैं ना तो ऐसे ही धोने पड़ते हैं मुझे बाल। तो ये देखिए हालांकि बाल तो सभी लोग ऐसे ही धोते हैं जिनके भी बड़े बाल हैं, बट रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे बनाना था। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से मैं बालों को आगे कर इससे पहले पानी से इसे बालों को वेट कर लूँगी, गीला कर लूँगी और फिर जब मेरे बाल अच्छे से गीले हो जाएंगे ना पानी से तो फिर मैं इनमें शैम्पू अप्लाई करूँगी। और शैम्पू अप्लाई करने के बाद इसे अच्छे से साफ़ करूँगी अपने बालों को। और ये देखिए इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगी। बस यही है कि हाँ मैं बाल बड़े होने की वजह से मुझे दो बार शैम्पू अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ही मेरे जो हेयर हैं वो वॉश हो पाते हैं, अच्छे से क्लीन हो पाते हैं। अगर मैं एक बार शैम्पू अप्लाई करके छोड़ देती हूँ ना तो मेरे बाल जो हैं वो अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं, तो मुझे दो बार अप्लाई करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने शैम्पू को लगा लिया है और शैम्पू लगाने के बाद अच्छे से इसको रब करके मैं अपने बालों को साफ़ करूँगी। सॉफ्टली रब करना, बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के नहीं करना है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है इसमें। तो मैं आगे लगा दूँगी आप लोग के लिए इसमें म्यूज़िक, तो आप लोग म्यूज़िक के साथ वीडियो इंजॉय करें।
और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से बालों को वॉश करते हैं, अपने हेयर वॉश करते हैं? और काफ़ी लोग होंगे, खासकर जो लड़कियां और जो लेडीज़ होती हैं वो तो खासकर ऐसे ही अपने हेयर वॉश करती हैं। तो बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके कि हम क्या। ज़्यादा कुछ वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आगे लगा दूँगी मैं म्यूज़िक, तो आप लोग म्यूज़िक के साथ वीडियो को एंजॉय करें और बताएं ज़रूर कि हाँ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और अभी यहाँ पर जो मेरे बाल हैं वो साफ़ हो गए हैं, मैंने धो लिया है अपने बालों को। तो मेरा जो दूसरा चैलेंज था या दूसरी रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि बालों को धोने के बाद मुझे अपने बालों को बाल्टी में जो डंप करके दिखाना है, डुबो के दिखाना है उसको। तो फ़िलहाल अभी मैं वही करने जा रही हूँ और पानी मैंने और अभी सब मैं जो हूँ अपने बालों को बाल्टी में डुबो कर साफ़ करूँगी। हालाँकि ये मैं नहीं करती हूँ, ये सिर्फ मैं रिक्वेस्ट पर ही ऐसा कर रही हूँ, नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा मेरे बाल और मैं नहीं डुबो सकती थी ना, तो इसीलिए जितना मेरे से हो सका मैंने उतना अपने बालों को डुबो कर बाल्टी में दिखाया है आपको। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा अलग से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा हेयर वॉश चैलेंज, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अभी ये देखिए, अभी मैं आ गई हूँ नहा कर, अपना हेयर वॉश किया है मैंने आज, और अभी मैंने नहा लिया है, पूजा भी कर ली है, और ये देखिए अभी बना रही हूँ चाय, क्योंकि फ्रेंड्स ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड हो रही है दो दिन से। तो नहाने के बाद ना बिल्कुल कपकपी छूट गई, तो अभी फिलहाल चाय मेरी बन गई है ना, तो अभी जा रही हूँ चाय पीने। और जो आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से उसकी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे, हेयर वॉश करते हुए एक वीडियो बना दीजिए, तो आज मैंने वही वीडियो बनाई है। तो अभी ये देखिए, अभी मैंने हेयर वॉश किया था, करने के बाद ना टॉवल ऐसे बांध लिया है, क्योंकि बाल गीले थे ना तो पानी टपक रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं लगभग ऐसे ही बांध लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि मेरे बाल भी ड्राई होते रहते हैं और मेरा काम भी नहीं रुकता है, नहीं तो क्या होता है ना कि काम करो और जो बाल गीले रहते तो पानी जो है वो टपकता रहता है,
ठंडा ठंडा लगता रहता है। गर्मियों में तो फिर भी चलाऊ होता है, ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं चलाऊ होता फ्रेंड्स। तो फिलहाल अभी ये देखिए पीछे मैंने टावल बांध कर उसका एक बन टाइप का बना लिया है, तो इससे मेरे बाल भी सूख जाएंगे जल्दी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप मेरे न्यू हैं अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी कोई नई वीडियो डालूँ ना तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को तुरंत मिल जाए फ्रेंड। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने अगले नए ब्लॉग में, एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।